हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसीडी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बसीराम मात खाना, हूँ फिर से एक प्लम्बिंग का वीडियो लेकर। दोस्तों, ये वीडियो जो है आप लोगों का सेफ्टी टैंक के मैटर में है, जो आप लोगों को बताने वाला था। आप लोग बहुत सारे भाई कमेंट किए थे जो सेफ्टी टैंक के मैटर में एक वीडियो बनाओ जो कुछ पता चले। तो इधर मैं गाँव में तो काम नहीं किया, लेकिन आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। ये सेफ्टी टैंक थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन इसमें आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो सब बेहतरीन चीज़ है। जो आप लोग जानकारी रहेगा तो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिट होएगा। और ये सबसे पहली बात है, ये गांव है, एक गांव में थोड़ा ख़ानदानी और परंपरा थोड़ा अलग होता है। थोड़ा मानते नहीं है, लेकिन उन लोग करते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन काम मैं नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक मुझे आइडिया आया, इसलिए मैं समझा कि बना दूँ ये वीडियो। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देख लीजिए, ये जो लाइन है आपका, मतलब 4 इंच का लाइन दिया है, SWR का जो लाइन है, ड्रेनेज का लाइन, मतलब टॉयलेट वाला, नहाने वाला, दोनों सोयल और वेस्ट लाइन दोनों ही 4 इंच का। लेकिन 6 इंच का होना चाहिए था कम से कम, आपका टॉयलेट में नहाने में 4 इंच हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि गांव है, छोटा सा जगह है, छोटा छोटा जगह में जाकर काम तमाम हो जाता है। तो आपका मेन मुद्दा होता है वो सेफ्टी टैंक। तो सेफ्टी टैंक में आपको क्या देना ज़रूरी है, सबसे पहली बात है, सेफ्टी टैंक जो होता है, सेफ्टी टैंक में आपको 3 होल होता है, यानी जो ये आप देख रहे हो, इसमें आपका 2 घर है ना, एक इधर घर है, एक इधर है, बीच में पार्टीशन है, ओके। तो आपका 3 घर होता है, लेकिन इधर 2 दिए हैं। आप इसमें से 2 में से भी कुछ गलती है, लेकिन थोड़ा सा कम है। देख लीजिए, इधर जो एक होल दिए हैं वो मिडिल में दे दिए, क्योंकि 2 है और 3 में कैसा होता है और क्या क्या चीज़ है बताऊंगा। सबसे पहली बात है, ये आप टी देख रहे हो, ये टी है आपका लेटरिंग वाला, यानी जो इनलेट है, जो सेफ्टी टैंक के अंदर आता है, ये टी है। और ये टी किस लिए दिए है आखिर, तो डायरेक्ट भी तो मैं पाइप देकर सेफ्टी टैंक के बाहर रख सकता था, मैं टी किस लिए दिए है इधर और क्या चीज़ ज़रूरी है। तो टी इसलिए दिए है, देख लीजिए, टी में आपका जो कीड़ा होता है, कीड़ा चेंबर के साइड नहीं जाएगा, कीड़ा बहुत सेफ्टी टैंक में रहना बहुत ज़रूरी है इसके वजह से। और सिर्फ टी दे देने से नहीं चलेगा, टी के साथ आपको, जैसे कि आप देख रहे हो, ये टी जो है आपका SW का है, यानी जो मट्टी होता है ना, चीना मट्टी, शायद आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हो पता नहीं, लेकिन ये आप PVC टी भी दे सकते हो, कोई भी टी, मैं बोल दिया मतलब फिटिंग का नाम क्या है, ये चीना मट्टी का टी है। और उसमें ये पाइप लगा देंगे, फिट कर देंगे, आपको भी पाइप देना पड़ेगा। आपका जो फ्लोरिंग लेवल है सेफ्टी टैंक का, उस फ्लोरिंग लेवल से मिनिमम 8 इंच हाइट तक रख कर आप पाइप लगाना पड़ेगा आपको टी में, क्यों, क्योंकि आपका कीड़ा जो है इनसाइड होकर आपका चेंबर में नहीं जाएगा, और वो कीड़ा नहीं जाएगा तो आपका सबसे बेस्ट होएगा, जो सेफ्टी टैंक है वो जल्दी भरेगा नहीं, क्यों वो आपको बताता हूँ। और 3 होल आप अगर कभी भी करते हो तो आपका सेफ्टी टैंक में मिनिमम 3 होल होना चाहिए। अगर आपका कॉरपोरेशन का लाइन, यानी जो म्यूनसिपलिटी का लाइन, अगर यहाँ से गांव में क्या हो जाता है, उस सब नहीं रहता है, इधर सॉफ्ट स्विप जो होता है ना, सॉरी सॉफ्ट फिट जो होता है ना, वो देते हैं, जो आप लोगों को पूरा बताऊँगा। देख लीजिए, इधर टी दिए है, उसके बाद आपका 3 खड्डा होता है, उसके बाद आपको आउटसाइड में भी जो है उसमें भी आपका टी देते हैं, आप देख सकते हो, मैं भी दिया हूँ, इसमें भी आपको थोड़ा टुकड़ा दे देना पड़ेगा, क्योंकि कीड़ा आपका सेफ्टी टैंक पर रहना बहुत ज़रूरी है। ये अगर कीड़ा नहीं रहता है तो अब तो आपका जो सेफ्टी टैंक है वो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, लास्टिंग यानी जो जल्द भर जाएगा, लेटरिंग जो गाजर मूली जो भी खाते हो वो सब जल्द भर जाएगा। इसके वजह से आपको टी देना पड़ता है और टुकड़ा लगाना पड़ता है, जैसे कि ये लगाने वाले है फिलहाल में, ओके। तो इसमें आपका 3 होल किस लिए रहते हैं और कैसे कैसे होना चाहिए, देख लीजिए, हम लोग जब भी करते हैं 3 होल रखते हैं, और उसमें सिस्टम कैसे होता है, जो 3 घर रहने के बाद पहला जो होता है उसका एक होल होता है, मतलब पानी जाने के लिए, सिर्फ लेटरिंग जाने के लिए नहीं, सिर्फ पानी पास करते हैं, और लेटरिंग आपका सेफ्टी टैंक में होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पानी है वो फिल्टर होकर आपका सॉक फिट में जाता है, ओके। आप देख लीजिए, इधर एक चेंबर का घर रहेगा, यानी 3 घर रहने के बाद पहला जो चेंबर रहेगा उसका होल जो है आपका ऊपर साइड रहेगा, ओके, क्यों, क्योंकि आप इसमें पाइप दिए हो, पाइप देकर आपका ये नीचे गया है। अब जो थोड़ा वजन वाला लेटरिंग रहेगा इसमें रह जाएगा, ओके। अब देख लीजिए, सुनते रहिए, फिर पता चलेगा आप लोगों को। उसके बाद का जो आपका जो दूसरा घर रहेगा, इधर 2 ही घर है लेकिन आपका 3 घर होना चाहिए था, ओके। उसके बाद जो आपका दूसरा घर रहेगा उसका होल नीचे रहेगा, क्यों, उसका होल इसलिए नीचे रहेगा, इसका जो लेटरिंग है आपका नीचे थोड़ा बैठ जाएगा और ऊपर थोड़ा भांसता रहेगा, और वो जो भांसेगा आपका दूसरे घर में आएगा, तो वो वाला और नीचे नहीं डूबेगा, क्योंकि जो डूबने वाला था वो पहले घर में डूब चुका है, दूसरे घर में वो भांसेगा
और उसका होल नीचे रहेगा तो और लेटरिंग नहीं जाएगा, सिर्फ पानी रहेगा। उसके बाद तीसरे घर में आएगा, ऑटोमेटिकली पानी इसमें निकल जाएगा और टी लगा कर टुकड़ा लगा दीजिएगा बस। उसके बाद आपका पानी 100 फीट में चले जाएगा। और एक बात है जो आप लोगों को बताने वाला था, वो है आपका नहाने वाला जो पानी है, किचन का हो किसी का भी हो, वो आप सेफ्टी टैंक में कभी मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर देते हो तो आपका कीड़ा जो है, कीड़ा आपका मर जाएगा और सेफ्टी टैंक जल्दी भर जाएगा। सेफ्टी टैंक जो होता है, कीड़ा जो होता है, वो आपका लेटरिन को खाता है और बहुत देर तक रखता है आपका सेफ्टी टैंक भरते हुए। और ये देख लीजिए, ये जो लाइन है मेरा, मतलब ये नहाने वाला लाइन है ड्रेनेज का, और ये डायरेक्ट जाता है तालाब में, देख लीजिए इधर। ओके, ऐसे ही। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।